नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के चीमा जी अप्पाजी ग्राउंड में। कोविड के दो साल बाद वसई की सुप्रसिद्ध वसई तालुका कला क्रीड़ा 31वां संस्करण आने वाले चंद दिनों में यहां शुरू होने वाला है। 26 दिसंबर को वसई तालुका कला क्रीड़ा का उद्घाटन है और 31 दिसंबर को समापन है। 26 दिसंबर में अब चंद दिन बचे हैं और यहाँ पर कला क्रीड़ा के लिए तैयारियाँ जोरों शोरों से चालू है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस चीमाजी अप्पाजी ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है कला क्रीड़ा महोत्सव के लिए। और ये कला क्रीड़ा महोत्सव काफ़ी बड़ा महोत्सव है, जहां इस साल करीब करीब 60,000 से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी भाग लेने वाले हैं। वसई तालुका कला क्रीड़ा शुरू हुआ था 33 साल पहले। 30 साल तक लगातार कला क्रीड़ा महोत्सव हुए, 2 साल कोरोना में नहीं हो पाए और इस साल ये 31वां कला क्रीड़ा महोत्सव है। अभी कला क्रीड़ा महोत्सव को लेकर आयोजकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पूरी कला क्रीड़ा महोत्सव से जुड़ी जानकारी साझा की। एक अहम चीज बात यह है कि इस कला क्रीड़ा में उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध क्रिकेटर सरफराज खान, जो कि रणजी प्लेयर है और इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आने वाले हैं। साथ ही साथ कई और महानुभाव शामिल होंगे। तो इस तरह से इस कला क्रीड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इसके पदाधिकारियों ने पूरी जानकारी दी, साझा की, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे और हम आपको ये कला क्रीड़ा का प्रत्यक्ष तौर पर तैयारियां दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस कला क्रीड़ा से अपडेट हम आपको उद्घाटन और समापन की सभी चैनल पर समय समय पर देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। 31वां कला क्रीड़ा महोत्सव 26 दिसंबर से हमारा शुरू हो रहा है। हमारी कार्यकर्ताओं की आखिरी मीटिंग कल ही शाम को संपन्न हुई, उसमें हमने पूरे कला क्रीड़ा महोत्सव का आढ़ावा लिया। हर एक विभाग की तैयारी क्या है, सब तैयार है हमारे कार्यकर्ता। ये कला क्रीड़ा महोत्सव में 60,000 से ज़्यादा स्पर्धकों ने ये टाइम पार्ट लिया हुआ है। स्पेशली जो ग्रुप इवेंट्स है, खेल मीन्स कबड्डी, खो खो, उसमें ज़्यादा टीमें आई हुई है और बढ़ गए हैं। और कला विभाग में लोक नृत्य, एकांकिका, ये जो टीम इवेंट है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी कला विभाग में देखो, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, नहीं तो एथलेटिक्स में रनिंग कंपटीशन है, उसमें भी पार्टिसिपेशन बढ़ गई है। 10 से 15% पहले से ये पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी हुई है। कला क्रीड़ा का मेन जो है क्रीड़ा स्पर्धा जो रहती है, फील्ड ट्रैक एंड फील्ड की जो स्पर्धा रहती है, वो चीमाजी अप्पा मैदान जो है वहाँ होती है। इंडोर में कैरम, बुद्धिबल और चेस कंपटीशन, ये अपने जो क्रीड़ा मंडल वसई है उसमें होते हैं। बाजू में जो समाज मंदिर हॉल जो है, वसई समाज मंदिर हॉल जो है, उसमें हमारे सभी मार्शल आर्ट्स, ताइकांडो, कराटे, मिक्स मार्शल आर्ट, देन किक बॉक्सिंग और जुडो, ये जो है मार्शल आर्ट वो समाज मंदिर में होती है। बैडमिंटन कोर्ट जो वसई विकास बैंक का जो इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन कोर्ट जो बना हुआ है हेड ऑफिस में, वहाँ हमारी बैडमिंटन की कंपटीशन होती है। सामने जो नींगली स्कूल है उसमें 33 प्रकार के कला जो स्पर्धा रहती है उसका पूरा आयोजन नींगली स्कूल में हो जाता है। खाली 2 स्पर्धा का आयोजन, जो फैशन शो और फैंसी ड्रेस शो, वो मास्टर दत्ताराम रंगमंच पे हुआ जाता है। और बास्केटबॉल जो इवेंट है वो मधुबन में हमारा गया। ऐसे ये सब जगह पे हमारा कला क्रीड़ा महोत्सव की इवेंट हो जाते हैं। उद्घाटन में जो अभी आजकल के मुंबई के रणजी पटू जो है, सरफराज खान, जिन्होंने अभी डबल सेंचुरी मारी और काफ़ी फॉर्म में है, वो आने वाले हैं। और उनके साथ में पद्मश्री मनोज जोशी, जिनको अभी फिलहाल में पद्मश्री मिली है, मनोज जोशी जो सिने कलावंत जो है वो आने वाले हैं। उनके साथ में हमारी प्रथम महिला महापौर प्रवीणा जी ठाकुर, बाद में हमारे राजेश जी पाटिल जो MLA है, और हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त तथा प्रशासक अनिल कुमार पवार, ये है। उनके साथ में क्षितिश ठाकुर, वहाँ से जो ज्योत निकलती है 2:30 बजे विरार से, वो ज्योत क्षितिश ठाकुर प्रज्वलित करेंगे और ये पूरे कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष रहेंगे जितेंद्र जी ठाकुर। सर, ओपनिंग का टाइमिंग क्या रखा हुआ? 4:30 बजे का टाइमिंग है, 2:30 बजे, लेकिन विरार से ज्योत प्रज्वलित होने वाली, विरार का शिवाजी अप्पा का
शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है विरार में, वहाँ से 2:30 बजे महिला विभाग में तीरंदाजी आर्चरी जो अभी इंटरनेशनल और ओलंपिक है वो हमने ये साल शुरू कर दी है, और कला विभाग में डांस वसई डांस, ये फिल्मी डांस फिल्मी सॉन्ग के ऊपर जो डांस कंपटीशन रहता है वो सभी ग्रुप में आजकल टीवी पे भी ज़्यादा चलता है, इसलिए वो कंपटीशन एक हमने नई एडिशन की है। कलाकड़ा महोत्सव पहले से ही अगर ग्राउंड पे किसी कंपटीशन को कुछ इजा एक्सीडेंट हो गया तो उनका इमीडिएटली, क्योंकि ग्राउंड में हमारे मेडिकल स्टेशन हमारे रहते हैं वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से, जो उनका मेडिकल है वो पूरे डॉक्टर दिन भर सुबह से लेके 7 से लेके रात को 2 बजे तक यहाँ रहते हैं। इमीडिएटली अगर इमरजेंसी तो डीएम पेडित में उनको लेके जाते हैं, और उससे अभी आगे जाना है तो उनको जो अस्पताल में वो लेके लेने जाने की सुविधा करते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।